Everyone and welcome back to SK Monikis and Thermodynamics and Statistical Physics या फिर Mechanics का नाम हम सबने सुना है. We have also read a little bit of Thermodynamics and Statistical Physics in class 11th या फिर 12th. लेकिन क्या आपको exactly इन दोनों kind के physics का difference पता है, इन दोनों mechanics का difference पता है? Well, अगर आप देखते हो तो जो three laws of Thermodynamics हैं, the zeroth law, the first law and the third law, तब यहाँ पे द सेकेंड लॉ, तो इन तीनों लॉज में अगर आप एक बेसिक चीज देखते हो, यहाँ पे एनर्जी कंजर्वेशन एंड एंट्रोपी का एक मेजर रोल होता है. द जीरोथ लॉ में जो कि बेसिकली एक थर्मल इक्विलिब्रियम की बात करता है, तो वहां पे टेम्परेचर इज व्हाट एक्चुअली काउंट्स, जिसके डिफरेंस की वजह से एनर्जी फ्लो कर रही है. तो थर्मोडायनेमिक्स में बेसिकली हम लोग क्या स्टडी करते हैं, जो कि एक बहुत ही पुरानी एस्टैब्लिश्ड थियोरी है, इसमें हम लोग एनर्जी के मेथड्स के थ्रू किसी भी सिस्टम के बिहेवियर को कैलकुलेट करते हैं या फिर उसकी मैक्रोस्कोपिक क्वांटिटीज या बिहेवियर की बात करते हैं. ऑन द अदर हैंड स्टैटिस्टिकल फिजिक्स एक नॉट सो ओल्ड फिजिक्स है. यहाँ पे बेसिकली अगर हम लोग देखें तो इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स या फिर पार्टिकल्स या फिर जो भी आपके इंडिविजुअल एटम्स हैं उनकी स्टडी, जैसे उनका मोमेंटम, उनकी वेलोसिटी एंड उनके मास अकाउंट में रख के, अपने इक्वेशंस में रख के, आप बेसिकली यहाँ से सारे माइक्रोस्कोपिक एज वेल एज मैक्रोस्कोपिक रिलेशंस डिराइव करते हो. तो ये एक बेसिक डिफरेंस होता है कि थर्मोडायनेमिक्स उसी चीज को एनर्जी एंड एंट्रोपी के थ्रू मेथड्स से सॉल्व करता है, विच इज बेसिकली एक काइंड की मैक्रोस्कोपिक रिलेशन ही आपको मिलेगी. ऑन द अदर हैंड स्टैटिस्टिकल फिजिक्स उस बेसिकली इस जो मैटर की डिस्क्रीट फॉर्म है, कि मैटर का डिस्क्रीट नेचर की एक कंटिन्यूस नहीं है, इसको बिना ओवरलुक किए एक एक इंडिविजुअल मॉलिक्यूल के स्टडी करके बेसिकली सारे काइंड के मैक्रोस्कोपिक एंड माइक्रोस्कोपिक रिलेशंस फॉर्म करते हैं. दैट वाज द इंफॉर्मेशन आई टू शेयर विद यू गाइस इन दिस वीडियो, एंड प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर सच इन्फो, एंड थैंक्स टू ऑल ऑफ यू.